देखो भाई हनुमान, अगर ये मूवी आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। देरी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस में झंडा गाड़ने मांगती है, क्योंकि इसका अपकमिंग पार्ट मार्वल और डीसी को टक्कर देगी। उसके लिए भारी भरकम बजट चाहिए, और जिस हिसाब से क्लाइमेक्स में ट्विस्ट और टर्न्स नजर आते हैं, टोटल नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। अगर वो आप देखो तो लगेगा विजन हो तो ऐसा, वरना ना हो। हमारे पास इतने ऐतिहासिक कहानियां हैं कि कोई भी पावरफुल सुपर हीरो को जन्म देना आसान है। मतलब 18 पुराण, वेदांत, उपनिषद, महाकाव्य और ना जाने कितने ग्रंथ जो कि ट्रू इवेंट के ऊपर बेस्ड है। और शक्तिमान भी पतंजलि योगा से निकला है। अपकमिंग मूवी शक्तिमान, जिसका अनाउंसमेंट जल्दी हमें देखने को मिल सकता है, एक ऐसा गाँव जहाँ पे आज भी लगान वसूला जाता है डाकुओं के नाम पे, और हनुमंतु उसकी बहन और एक उसका दोस्त और होने वाली प्रेमिका इसी गांव में रहती है। विजुअल वीएफएक्स सीजीआई मुझे बेटर लेवल की एक्सपीरियंस दे रही थी। फिर भी अगर आदि पुरुष का बजट इस मूवी में लगाया होता तो भाई साहब सोचो कि क्या हुआ होता। इसी बीच एक ऐसा आदमी जो अपने माँ बाप को बचपन में ही मार दिया फॉर सुपर पावर, सिर्फ एक सुपर हीरो बनने के लिए। मतलब एक्टरों का एक्टर परफॉर्मेंस लिटरली मुझे काफी सही लेवल की वाइब दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ मल्टीपल मूवीज और सुपर हीरो कैरेक्टर्स का रेफरेंस लिया हुआ है, मार्वल से लेकर डीसी तक, यहाँ तक कि शक्तिमान, यहाँ तक कि रजनीकांत को भी नहीं छोड़ा है। फर्स्ट हाल बोरिंग फील देती है, लेकिन ह्यूमरिस्टिक अंदाज थोड़ा मूवी को संभाल लेती है, और जिस हिसाब से इमोशन है उसका क्या ही कहना। एक्शन सीक्वेंस भी बवाल है, लेकिन सोचो सात चिरंजीवी एक फ्रेम में हो तो कैसा लगेगा। वो 2025 की जय हनुमान मूवी में पता चलेगा, जो कि सीक्वल होगा हनुमान का। स्क्रीन प्ले इंगेजिंग तो है, अगर फर्स्ट हाल्फ की बात की जाए तो भाई साहब सेकंड हाल्फ और उसका क्लाइमैक्स ज्यादा बेटर लेवल की वाइब देती है कंपेयर टू फर्स्ट हाल्फ। नो डाउट प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स एक अलग पहचान बनाने वाली है। वहीं मुझे सबसे अच्छा चीज इसका बीजीएम और संस्कृत वाला वाइब लग रहा था, मतलब प्योर भारतीय संस्कृति। खास करके इस मूवी का डबिंग जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कोरियन, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज और अंग्रेजी भाषा में किया गया है, तो वर्ल्ड वाइड ये मूवी मचाने की संभावना रखती है। और डे वन में इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ कमा लिया है। भूतकाल की कहानियों को समझाने के लिए सॉन्ग का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वाकई सेंस रखती है। और अब हनुमंतु एक सुपर हीरो बन चुका है, जिसके पास हनुमान जी की काफी ज्यादा शक्तियां हैं, मतलब असिद्धि और नवनिधि के दाता की शक्तियां। ऑल ओवर मूवी मुझे बवाल लेवल की एक्सपीरियंस दे रही है, और इसका अपकमिंग पार्ट लिटरली गाइस फाड़ के रख देगा। और जो क्लाइमेक्स का जो सीन है उसका क्या ही कहना भाई साहब, गजब। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, शुक्रिया।